नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। बात पंजाब की करते हैं, जहां मोगा में एचडी स्कूल मैनेजमेंट की ओर से डिजिटल इंडिया के तहत एक स्टेपिंग स्टोन स्कूल की शुरुआत की गई, जहां पर प्री नर्सरी के बच्चों से लेकर पांचवीं क्लास के बच्चों को वीडियो द्वारा शिक्षा दी जाएगी। वहीं बच्चों को शुरू से ही उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि आगे जाकर बड़ी क्लासों में अपनी पढ़ाई की अहमियत को जाने। स्कूल में सभी बच्चों को शुरू से ही कंप्यूटर द्वारा शिक्षा दी जाएगी, जिससे बच्चों पर किताबों का बोझ नहीं पड़ेगा। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल मैडम अरोड़ा ने बताया कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि देश को डिजिटल इंडिया बनाया जाए, देश तभी डिजिटल इंडिया बनेगा जब बच्चों को शुरू से ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू आवर रिस्पेक्टेड पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, हु हैज स्टार्टेड, ही वॉन्ट्स टू रन अ डिजिटल प्ले स्कूल एंड इट इज अ लिटिल एफर्ट्स टू रन दैट टाइप ऑफ स्कूल। We are going to open this school in a new quality, giving the quality of education where students will learn learning by doing. Here we have arranged smart classes, digital playway school you can say, where students will learn through audio visual aids. What you gave extra facilities to charge? There are so many facilities. First of all, we have given stress on the each and every aspects of all-round development of the student. So many skills. Now start from nursery to fifth. Yes, we have started from pre-nursery to fifth class under the CBSE pattern, and students will learn through the smart classes. Teachers will learn them through activities, not from the books. We are giving the different type of education. The students, we will teach the students under the guidance of proper channelized and by the experienced staff members. So, ma'am, what about the students' books? We have given very less stress on the books. There is, I already told you, ki we will teach the students from smart classes. Students will learn through the activities. बिकॉज आज का जो ज़माना है वो है टेक्निकल, जो है हम कह सकते हैं टेक्निक्स के साथ जुड़े हुए हैं। हमें बुक्स से पढ़ा हुआ जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ हम विजुअली देखते हैं वो हमारे ब्रेन में एक फिट हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे को लर्निंग जो दे मेथड्स वो हम ऑडियो विजुअल के थ्रू दें, ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाए। मैम, ज़्यादातर ये भी देखने आ रहा है कि जो ऐसे स्मार्ट स्कूल आ रहे हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे हैं, उनकी फीसेज वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं, बुक्स के चार्जेस। नो, हमने इस बात पे प्रॉपर ध्यान रखा है, हमने बिल्कुल पेरेंट्स के ऊपर इस बात का बर्डन नहीं रखा है। इवन हमने एनुअल चार्जेस भी इस बार नहीं लिए हैं, पेरेंट को फुल कंसेशन दिया है। देयर इज नो एनुअल चार्जेस, ओनली मंथली फी वी हैव सेट। तो ये स्टार्टिंग के ऊपर जो है एनुअल चार्जेस लेंगे या आगे भी जो एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे? नहीं, स्टिल और मैनेजमेंट का जो है उन्होंने बनाया एक एजेंडा, उसके अकॉर्डिंग कि मतलब हमने इस साल एनुअल चार्जेस नहीं लिए हैं। अगर हमें लगता है कि मतलब पेरेंट खुश हैं इस बात से, तो नेक्स्ट भी हो सकता है कि हम ऐसा कुछ उनको कंसेशन दें। पंजाब से विपन ओकारा की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।